जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी जो फॉरेन के एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर किसी न किसी तरीके से बैन लगाया जाएगा या फिर उनके ऊपर TDS भी लगाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, खास करके क्या अभी हम WZRX को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसी के साथ हम WRX की बात करने वाले हैं कि WRX हमें अभी प्रॉफिट दे सकता है या नहीं दे सकता, और इसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक्चुअल में मेरा मानना तो यही है कि WRX एक बहुत बड़ा पंप आने वाला है। लास्ट दिनों में आपने देखा होगा कि जब भी न्यूज़ आई थी कि फॉरेन एक्सचेंजेस को बंद किया जाएगा, तब से सबसे बड़ा पंप हमें जो देखने को मिला था वो WRX में ही देखने को मिला था। तो मैंने आपके साथ दो चीज़ें डिस्कस करनी है, एक तो WZRX के बारे में, दूसरा हम बात करने वाले कि इस वक्त आपको बेस्ट कौन सा एक्सचेंज यूज़ करना चाहिए। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि डिफाई कौन सा यूज़ करना चाहिए, यानी कि डेक्स कौन सा यूज़ करना चाहिए नेक्स्ट, जो कि डिसेंट्रलाइज होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज कौन सा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ही मुश्किल हो चुका है कि एक सही एक्सचेंज को चूज करना, क्योंकि आज अगर आपके एसेट गलत एक्सचेंज के ऊपर पड़े तो शायद वो वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे और आप उनको कभी भी निकाल नहीं पाएंगे। तो आपके जितने भी डाउट हैं एक्सचेंज को लेकर, आपने कहाँ पे अपने एसेट्स रखने, कहाँ पे अपनी क्रिप्टोकरेंसीज रखनी है, वो होपफुली हम इसी वीडियो में कवर करने वाले ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो वीडियो को लाइक कर दो, लेकिन चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि यहाँ पे मैं हमारे इंडियन एक्सचेंजेस को लेकर हर एक अपडेट सबसे पहले देने वाला हूँ। और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉफ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूँ। और आपने वहाँ पे देखा होगा कि मैं NFTs का फ्री गिव अवे कर रहा हूँ, तो NFTs का फ्री गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है सारी डिटेल्स मैंने टेलीग्राम के ऊपर डाल दी हैं ऑलरेडी। लिंक आपको बिटमार्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि बिटमार्ट के ऊपर हम ये एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, क्योंकि बिटमार्ट उस लिस्ट में नहीं था जो 15 एक्सचेंजेस थी, जिस कारण मैं हमेशा आपको बिटमार्ट तो अभी रेफर करता हूँ कि एक बार फिलहाल तो आप बिटमार्ट के ऊपर साइनअप कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ फ्री एयर ड्रॉप्स NFTs देता ही रहता हूँ। अभी एयर ड्रॉप बहुत लोगों को मिला है, मैंने बॉन्क का एयर ड्रॉप दिया था, ऐसे कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप्स आते रहते हैं। लेकिन आज का हमारा वीडियो जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम WZRX की बात करने वाले हैं। WZRX का आपको पता है कि एक इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज था, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम था, लेकिन आज के दिन इसके ऊपर जो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम है 24 आवर्स का वो $3.8 मिलियन के आसपास है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोटिस करोगे, अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाते हो तो WZRX के ऊपर वीकली विजिट्स कितने हैं, यहाँ पे 3.25 लाख हैं, 3,20,000 से भी ऊपर हैं। अगर इसको आप कंपेयर करोगे बाकी एक्सचेंजेस के साथ तो आपको इतने कोई भी नहीं मिलने वाले, कोई बड़े एक्सचेंजेस के साथ भी इतने ज़्यादा नहीं आपको मिलने वाले। तो कहने का मतलब यह है कि WZRX सबसे ज़्यादा चूज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता है, हर कोई विजिट करता है, WZRX के ऊपर विश्वास भी हर किसी का है। यहाँ पे कारण यह है कि WZRX हमेशा अच्छी सर्विसेज देने की कोशिश करता है, और निश्चल शेट्टी हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा अपडेट दिया जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। एक और चीज़ ये है कि इसी के साथ WRX का प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है। ये WRX का प्राइस क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि WZRX की फिर से यूजेज बढ़ने वाली है, इसी को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट किया जाएगा, इसके ऊपर ही ज़्यादा एसेट्स ट्रांसफर किए जाएंगे, क्योंकि अगर हम इंडियन एक्सचेंजेस की बात करें सबसे ज़्यादा विश्वास तो WZRX के ऊपर ही है। यही कारण है कि जब फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर कोई ना कोई एक्शन आता है तो WZRX को यूज़ ज़्यादा किया जाता है और WRX की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे WRX का प्राइस भी आप देखोगे कि सडनली लगातार कई दिनों से बढ़ता जा रहा था, और अब ये 20 रुपये के आसपास टिक चुका है, जो कि पहले 25-26 रुपये तक भी पहुँचा था लगभग 4 जनवरी को। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे 2 गुना प्राइस तो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि 8-9 रुपये के आसपास रहने वाला कॉइन अभी 20 रुपये के आसपास चल रहे हैं, आने वाले समय डेफिनेटली 100 रुपये अभी बहुत ही ईजिली क्रॉस कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर जो अभी ऑप्शन दिए जा रहे हैं हमें वो बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं मिलेंगे। तो निश्चल शेट्टी जी ने अभी क्या कहा है ये भी हम देख लेते हैं। तो इन्होंने डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स को लेकर कुछ क्लैरिटी दी है, तो यहाँ पे मैं आपके साथ ट्वीट हिंदी में बताने की कोशिश करता हूँ। WZRX has always had crypto deposits enabled, यानी कि इसके ऊपर क्रिप्टो डिपॉजिट्स तो इनेबल्ड रहते ही हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि लिखा तो हुआ है क्रिप्टो डिपॉजिट्स इनेबल्ड, लेकिन आप ये भी चीज़ समझ लो कि अगर आपने INR एक बार डिपॉजिट कर दिया तो आपके क्रिप्टो विड्रॉल्स नहीं होने वाले, डिपॉजिट तो हो जाएंगे लेकिन क्रिप्टो विड्रॉल नहीं होने वाले, यानी कि आप वहाँ से पैसा सिर्फ बाहर ही निकाल सकते हो। INR डालोगे तो INR में ही बाहर निकालना पड़ेगा, आप क्रिप्टो करेंसीज को बाहर नहीं निकाल पाओगे। तो ये चीज़ें आपको हर बार कोई भी बताने भी नहीं वाला, और यहाँ पे ट्वीट्स में तो आपको नहीं चीज़ मिलने वाली। दूसरी चीज़, WZRX टीम इज करंटली वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग मल्टीपल न्यू ब्लॉकचेन सपोर्ट फॉर क्रिप्टो डिपॉजिट्स। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्रिप्टो के डिपॉजिट्स जो हैं हमारे WZRX के ऊपर, इवन विड्रॉल्स भी कम, बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि इसके ऊपर जो ब्लॉकचेन्स यूज़ करी जाती हैं वो बहुत ही लिमिटेड सी हैं, नई ब्लॉकचेन्स अभी इसके ऊपर डिप्लॉय नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आप BTT को ट्रांसफर करना चाहते हो तो यहाँ पे TRC 10 का ही नाम लिया जाएगा, हालांकि TRC 20 हम कितने लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे TRC 10 से ट्रांसफर तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने नया ब्लॉकचेन नहीं लगाया। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और जो कि मैटर करती है हम सभी को। अगली चीज़ उन्होंने बोली कि INR के जो डिपॉजिट हैं, विड्रॉल्स हैं, वो हमेशा ओपन रहने वाले हैं या फिर ओपन हैं। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है, जो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप एक बार INR में डिपॉजिट कर लोगे तो डेफिनेटली विड्रॉल तो हो ही जाएंगे, लेकिन सिर्फ INR में, तो क्रिप्टो विड्रॉल्स बंद हो जाएंगे।
और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगला पॉइंट पढ़ो, क्रिप्टो विड्रॉल्स हैव बीन ओपन फॉर पीटूपी ओनली यूजर्स। ये एक चीज नोटिस करो कि अगर आपने INR डिपॉजिट कर लिया तो यहाँ पे आपका पीटूपी भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि आप INR में पैसा डालो एक्सचेंज के ऊपर, INR में पैसा बाहर निकालो, लेकिन उस एक्सचेंज से किसी और एक्सचेंज के ऊपर आप नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आपने सिर्फ क्रिप्टो करेंसी डाली है उस एक्सचेंज के ऊपर, तो आप क्रिप्टो करेंसी को विड्रॉ कर पाओगे, क्योंकि मैंने काफी सारे अपने एसेट्स हैं वो वजीरेक से पहले भी मूव किए हैं। यहाँ पे एक और चीज है, क्रिप्टो विड्रॉल्स हैव बीन ओपन फॉर पीटूपी ओनली यूजर्स। तो क्रिप्टो विड्रॉल्स सिर्फ पीटूपी यूजर्स के लिए ही अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप INR डिपॉजिट करते हो तो नहीं होगा। क्रिप्टो विड्रॉल्स फॉर दोज यूजिंग INR डिपॉजिट्स, ये इन्होंने क्लियरली बताया कि वी आर करंटली वर्किंग ऑन रोलिंग आउट एनहेंस्ड KYC, यानी कि अपनी KYC को थोड़ा एनहेंस करेंगे, तभी अगर आप INR में डिपॉजिट करते हो तो क्रिप्टो के विड्रॉल्स शुरू होंगे। तो यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है कि क्रिप्टो के विड्रॉल्स उनके लिए अवेलेबल नहीं है जिन्होंने INR डिपॉजिट कर दिया है। तो अभी जो क्रिप्टो के विड्रॉल्स है वो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के लिए, तो ये मैक्सिमाइज तो करना चाहते हैं लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, आप अपने क्रिप्टो करेंसीज को विड्रॉ नहीं कर पाओगे। और बड़ी अपडेट जो मेरे हिसाब से है सबसे अच्छी अपडेट, द फर्स्ट फेज ऑफ द वर्क टुवर्ड्स क्रिप्टो विड्रॉल्स विल गो लाइव दिस मंथ, यानी कि इसी महीने के अंदर अंदर, जनवरी महीने के अंदर अंदर क्रिप्टो विड्रॉल शुरू हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा जो सेटबैक था, यानी कि क्यों हम वजीरेक्स को यूज़ नहीं कर रहे थे, एक तो ऑब्वियसली 1% TDS है, लेकिन जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं शायद वो ट्रेड तो नहीं करेंगे, वो इसके ऊपर डिपॉजिट विड्रॉल भी इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि अगर INR डिपॉजिट कर दिया तो विड्रॉ नहीं होगा। लेकिन इस महीने के अंदर क्रिप्टो के विड्रॉल्स भी चालू हो जाएंगे मैक्सिमम पीपल के लिए। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, एनी हाउ आपके साथ शेयर करनी थी। और यहाँ पे नेफ्ट एंड RTGS का आपको पहले बता चुका था कि इसके ऊपर अभी पॉसिबल है, आप इनको यूज़ करके डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हैं, और आने वाले समय में IMPS भी आ सकता है। तो अब हम बात करेंगे WRX के बारे में। तो WRX इसी कारण ऊपर जा रहे हैं क्योंकि जितना अच्छा यूज़ केस होगा वजीरेक्स एक्सचेंज का या फिर वजीरेक्स के जो हमें सर्विसेज मिल रही हैं उससे डेफिनेटली WRX की वैल्यू भी बढ़ने वाली, क्योंकि WRX एक तरीके से कॉइन की तरह जो है ये स्टॉक की तरह, यानी कि कंपनी के स्टॉक की तरीके से आप इसको मान सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक चीज़ बताने वाला था कि आप एक डेक्स कौन सा यूज़ करें, तो डेक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, काफ़ी सारे डेक्स हैं, लेकिन मैंने जो अभी फाइंड किया वो है deficlub.exchange। ये डेक्स आप यूज़ कीजिए, इसके ऊपर जो फी आपकी बहुत कम रहने वाली है और लगभग हजारों करेंसीज यहाँ पे आप स्वैप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेन्स जो हैं वो काफ़ी सारी हैं, मल्टीपल चेन्स इसके ऊपर हैं। बाकी आप अगर आप डेक्स के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे चेन्स लिमिटेड होने की वजह से सारे कॉइन्स को आप स्वैप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे क्रॉस चेन की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। तो यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें मिलने वाली हैं, एक तो स्वैप तो ऑब्वियसली मिलेगा जिसका जिस कारण मैं आपको ये डेक्स बता रहा हूँ कि deficlub.exchange, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उससे आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे पूल्स भी है, आप पूल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, टोकन स्टेकिंग NFTs। स्टेकिंग का ये बता रहा हूँ कि आपको जो लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से आप यहाँ पे अगर स्टे करते हो अपने डी कॉइन्स, जो इस एक्सचेंज के खुद के कॉइन्स हैं उनको स्टेक करते हो, तो यहाँ पे डी कॉइन्स से भी आप डेली कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टेकिंग अर्न करने वाले हैं, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स अर्न करने वाले हैं। तो यही कारण है कि आपको ये मैं डेक्स रेफर कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करें, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द बताने वाला हूँ, क्योंकि वो भी मैंने एक बेस्ट ऑलरेडी चूज़ कर लिया है। तो निश्चल शेट्टी जी ने बहुत अच्छी अपडेट दी है, जो मैं सीरियसली बहुत बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ कि क्रिप्टो विड्रॉल्स शुरू हो जाएंगे तो वजीरेक्स कम थोड़ा और खुल के यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने INR में अगर कोई भी ट्रेड लिया तो हमारा TDS कटेगा, लेकिन अगर हम क्रिप्टो टू क्रिप्टो डायरेक्ट विड्रॉ करेंगे तो शायद हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये अपडेट्स मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर करूंगा, वॉफ्टेड ऑफिशियल के ऊपर, तो हमेशा ज्वाइन करके रखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।